अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन करिए। इस प्रकार है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी। फोटो देखो जरा, एक इनफाइनाइट सीरीज है कुछ इस तरह से है, ए बी पॉइंट दिए हुए, ये सी है, ये टू सी है ना। पीले पीछे क्या था, ये भी सी था है ना। अब यहाँ पर क्या है, सेंटर वाला टू सी है, और फिर ये रिपीट करती जाएगी इस तरह से कुछ अप टू इन्फिनिटी। तो कर दीजिए इस क्वेश्चन को है ना। एक क्या कैसे करा था हमने, हमने बोला था कि ए बी के बीच में जो इक्विवेलेंट आया है, ए बी के बीच में जो इक्विवेलेंट आया हमने उसको लेट कर लिया एक्स है ना, और हमने इस वाले पॉइंट को मान लिया था ई और एफ या फिर एम एन मान लो है ना। तो जो एम एन के बीच में आएगा, एम एन के बीच में जो इक्विवेलेंट आएगा वो भी क्या होगा, एक्स होना चाहिए है ना। क्यों होना चाहिए, मैंने ये बताया है आपको शुरू में, जो एग्जाम्पल ली थी उससे बताया था है ना। उसको एग्जाम्पल को देख लो चाहो तो एक बार, अगर समझ में नहीं आ रहा तो है ना। तो ये भी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो क्यों ना इसको पूरे को हटा के इन्फिनिटी लगा ना, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसको पूरे को हटा के क्या लगा दो, एक्स लगा दो। तो लगा देते हैं, ये हमारा पैटर्न है, ये ए, ये बी, ये सी, ये टू सी, और यहाँ पर पूरे को हटा के क्या लगा दिया हमने, रिप्लेस कर दिया एक्स से। क्यों कर दिया, इस वजह से है ना। एक्स हमें पता नहीं है अभी है ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू तो निकाली थी पिछली बार भी, तो निकालो उसको। ये दोनों कैसे हैं आपस में पैरेलल में, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सीरीज वाला। क्या होता है सीरीज का फॉर्मूला, सीधे ऐड कर देना है, टू सी प्लस एक्स। क्या हो जाएगा ये, टू सी प्लस एक्स, और फिर ये टू सी प्लस एक्स प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा, सी, इस वाले सी के साथ। ये दोनों जब इसका इक्विवेलेंट निकलेगा तो वो इक्विवेलेंट ये हुआ, और वो इक्विवेलेंट क्या होगा, इसके साथ सीरीज में है। क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन सम, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम, इन दोनों का प्रोडक्ट, याद आ रही ना बात है ना। तो कर देते हैं, क्या हो जाएगा, सी ए बी, ए बी के बीच में तो निकाल लें, तो सी ए बी हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, टू सी प्लस एक्स इंटू सी अपॉन टू सी प्लस एक्स प्लस सी, टू सी प्लस एक्स प्लस सी। दिख रहा है आपको, अरे यार कहाँ दिख रहा है, देखो दिख रहा है अब है ना। ठीक है, तो अब इसको कर लीजिए, आप क्या करेंगे, सी ए बी की जगह क्या रख दोगे, सी ए बी की जगह आप एक्स पुट कर दोगे, और इसको आप कर लोगे अब है ना। क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, कैसे करोगे, सीधे आप फॉर्मूला लगा दो या फिर स्प्लिटिंग करके कर सकते हो है ना। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कराऊंगा है ना, आप अपने आप करेंगे, स्पून फिटिंग नहीं होगी है ना। बहुत करा दिया पीछे, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करा दी थी, पूरी इक्वेशन बना दी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी थी और उसको सॉल्व भी कर दिया था है ना। लेकिन अब मैं नहीं करूंगा, अब आप करेंगे। जब यहाँ पर एक्स रख दोगे और ये से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये टू सी और सी कितना हो जाएगा, थ्री सी, थ्री सी प्लस एक्स इंटू एक्स है ना। इसको एक्स बना लिया ना, ए बी को एक्स बोल दिया, यहाँ पर एक्स रख दिया, तो ये आ गया थ्री सी, थ्री सी अपॉन थ्री सी प्लस एक्स, ये थ्री सी प्लस एक्स है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, कर दिया इक्वल टू टू सी प्लस एक्स इंटू सी, तो कितना हो जाएगा, टू सी स्क्वायर प्लस एक्स सी। कोई दिक्कत इसमें, दिख रहा है यहीं है ना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप इसको लिख सकते हो थ्री सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर प्लस एक्स सी। ये देख नहीं रहा होगा आपको शायद, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना, हल्का हल्का दिख रहा है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद ये है सी एक्स, ये भी सी एक्स है, तो ये वाला सी एक्स इधर लाओ, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो थ्री सी में, थ्री एक्स सी में माइनस करोगे एक एक्स सी, तो बचेगा टू सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस का है तो आगे माइनस का हो जाएगा, टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, क्या आएगा जी, आपके पास आएगा दो फैक्टर। आपको इसमें से पसंद करना है कि कौन सा पॉजिटिव आएगा और कौन सा नेगेटिव आएगा, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था, मैंने पता कराया था, एक आ रहा था कितना, टू पॉइंट समथिंग आ रहा था और एक एक्स था है ना। तो हमने पता करा था, कैसे पता करा था, आप जाके देखो पिछला क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा तो फिर बताओ, यहाँ पर मैं देखो बता देता हूँ। ये पहचानना अब आपको आना चाहिए ना कि कौन सा पॉजिटिव आने वाला है, कौन सा नेगेटिव आने वाला है। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर पीछे क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन देखा है तो समझ में आ रही होगी बात है ना। आफ्टर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे दो फैक्टर, या बोल सकते हो एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी
तो कुछ ये फैक्टर मिलेगा आपको, एक्स की वैल्यू मिलेगी आपको इतनी, ये मिलेगी एक्स की वैल्यू आपको, है ना। और फिर आप इसको, यह है टेन सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का सी बाहर आ जाएगा, यहाँ पर सी स्क्वायर का सी बाहर आ जाएगा। और टेन है, अगर नाइन होता तो क्या था, तीन बाहर आता, लेकिन टेन है तो क्या बाहर आएगा, क्या आएगा, टेन है तो क्या बाहर आएगा, तो तीन से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है ना, 3.1 बोल सकते हो अप्रॉक्स। बताओ इसको देख के कि यहाँ पर पॉजिटिव रखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या फिर यहाँ पर नेगेटिव रखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो ये 2c है, ये 3.1c है ना। जब ये माइनस का होगा तो वैल्यू माइनस की आएगी, और अगर ये प्लस का होगा तो वैल्यू प्लस की आएगी। तो यानी कि ये प्लस का होगा और वही आंसर होगा आपका। तो आंसर हो जाएगा -2c प्लस 3.1c अपॉन 2, जो कि होगी वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। और एक्स क्या है, CAB, कैपेसिटन इक्वलेंट कैपेसिटर कैपेसिटेंस इक्वलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बिना बात लेंदी कर रहा हूँ, है ना, मैं वीडियो को, तो ये सिंपल है ना, अब आप कर ही सकते हो इसको। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि हम -2c और यहाँ पर लेंगे प्लस 3.1c अपॉन 2, और क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, c/2 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या अंदर, c/2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पर यहाँ बचेगा 3.1 - 2, है ना। और क्या बचेगा, c/2 इसको करोगे तो कितना बचेगा, 1.1, है ना। तो 1.1 c/2 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। एक सीरीज और दे देता हूँ जो होगी आपकी होमवर्क में, है ना, वो आप कर लेना अपने आप, नहीं हो तो मुझे मत बताना या बता देना, है ना, हो जाएगी, है ना, हो जाएगी। बहुत आसान सीरीज है वो भी, इसी तरह की सीरीज है, जब ये समझ में आ गया तो वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन देखें एक और, ऐसे भी तो बन सकता है, एक बन सकता है एक और पैटर्न, है ना, कि तीनों जगह क्या हो, कैपेसिटर हो, ऐसा वाला तो किया नहीं हमने अभी तक, ये ए ये बी, है ना। चाहो तो सबको CCC ले लो, CCC, है ना, ये और अच्छा हो जाएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर फिर इसी तरह की सीरीज चलती जाएगी, है ना, CCC, है ना, ऐसी चलती जाएगी टिल इन्फिनिटी। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, कुछ नहीं है, हो जाएगा सॉल्व, है ना। बाकी सबको एक्स मान लेना है, एक पैटर्न निकालो यहाँ से वाला, और बाकी सबको एक्स मान लो, और इस पैटर्न की जगह ये पैटर्न बना ही देता हूँ मैं, है ना, ये पैटर्न निकाल लिया हमने। हाँ तो एक क्वेश्चन और है ये, है ना, ये क्वेश्चन और है ना, कैसे करेंगे, इस तरह कुछ कर लेंगे, है ना, क्या करेंगे आप, सेम एक पैटर्न निकालोगे इसमें से, एक पैटर्न निकालोगे और उस पैटर्न के आगे जितनी भी चीज़ है उसको एक्स मान लोगे। क्यों मान लोगे भाई एक्स, क्योंकि हमने ए बी को एक्स माना, ए बी को एक्स माना, तो ये यहाँ पे भी जो पॉइंट होगा वो भी एक्स होगा पूरा, है ना। तो पूरा एक्स बना के यहाँ पर चिपका दो, ये एक्स है, ये सी, ये सी, ये सी, और ये ए और ये बी। तो ए बी के आगे ऐसे करके एक्स लगा दिया, एक्स फिर इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, एक्स और सी पैरेलल में है तो एक्स प्लस सी हो जाएगा, और वो सी और सी के साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो क्या करोगे आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे भाई, इसको सॉल्व करोगे आप स्प्लिटिंग मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। और दो फैक्टर आएंगे जिसमें से एक पसंद करना पड़ेगा आपको, और आप पसंद कर लोगे, है ना।